श्री अमन कुमार, उप पुलिस अधीक्षक जम्मू एवं कश्मीर पुलिस, मरणोपरांत। चौबीस फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के कुलगांव ज़िले में आतंकवादियों की उपस्थिति की सूचना मिलने पर कुलगांव पुलिस 34 राष्ट्रीय राइफल्स तथा 18वीं बटालियन सीआरपीएफ द्वारा एक संयुक्त तलाशी अभियान चलाया गया। तलाशी के दौरान अचानक एक घर में छिपे आतंकवादियों ने इस दल पर भीषण गोलीबारी शुरू कर दी। तलाशी दल ने इसका सटीक जवाब दिया, लेकिन इसके बावजूद इस गोलीबारी में दो जवान घायल हो गए। उप पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने अपनी सुरक्षा की चिंता किए बिना दोनों घायलों को सुरक्षित निकाला और पास के अस्पताल में भेजा। इस जांबाज अफसर ने मोर्चा संभाला और कारगर रूप से जवाबी कार्रवाई करते हुए एक खूंखार आतंकवादी को मौत के घाट उतार दिया, जिसकी पहचान बाद में एक पाकिस्तानी आतंकी के रूप में की गई। इस बीच अन्य दो आतंकवादियों द्वारा की जा रही भीषण गोलीबारी से अमन कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए एवं वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी अनुकरणीय कर्तव्य निष्ठा से प्रेरणा लेकर तलाशी दल ने अन्य दोनों आतंकवादियों को भी मौत के घाट उतार दिया। श्री अमन कुमार ने आतंकवाद का खात्मा करने, राष्ट्र की अखंडता बनाए रखने के लिए अद्वितीय रणकौशल, अदम्य साहस एवं अनुकरणीय राष्ट्र प्रेम का प्रदर्शन करते हुए देश सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय श्री अमन कुमार की पत्नी श्रीमती सरला देवी एवं माता श्रीमती पूजा देवी,